तो 20 जगहों पर पड़ रहे हैं सीबीआई के छापे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस बार बार ये सबूत मांग रही है और ये भी बार बार कह रही है कि पूरी तरह से बेदाग निकलेंगे। चलते हैं एक बार फिर से ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि बेदाग निकलेंगे पूरी तरह से, और ये कहा जा रहा है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं क्या उसके सबूत भी सौंपे जाएंगे? क्या सबूत हैं या ये सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है? सीबीआई एक साल से ये जांच कर रही है। देखिए, सीबीआई को जब प्राथमिक दृष्टि से ये लगता है कि ये इंक्वायरी के काबिल है ये मुद्दा, या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके अंदर कुछ सत्यता नज़र आती है, तभी और अधिक सबूत करने के लिए सभी जगह पर ये इस प्रकार के जो सर्चिज हैं, जो ताकि उनको पूरे कागज़ मिल सकें, इस प्रकार की सर्च होती है। और मैं समझता हूं कि अब जब सीबीआई के पास ये मुद्दा आ गया है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस प्रकार से एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विधानसभा के अंदर बार बार छाती ठोक कर कहते थे कि भी एक इंच भी जमीन में अगर मैंने कोई गलत होगी तो आप मेरे को जो मर्जी सजा दे देना, आज सीबीआई जो है वो उसके बारे में इंक्वायरी कर रही है। और मेरे कांग्रेस के मित्रों को ये अब इसको सीबीआई की इंक्वायरी को फेस करना चाहिए, और उसके पश्चात जो नतीजे आएंगे, जो भी सामने प्रमाण आएंगे, उसके आधार पर कोर्ट कार्रवाई करेगी। तो मैं समझता हूं कि आज कुछ जगह के ऊपर मत करिए सीबीआई का, जब आपके पास सबूत कुछ है नहीं, सीबीआई को भी कुछ नहीं मिलेगा। आप सीबीआई छोड़िए, कोई सी एजेंसी से कराइए, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ऐसे घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। जो एक ऐसे जो घोटाले होते हैं जो कोई भी सरकार करती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए उसको लिए एक एजेंसी, और वो अपना काम कर रही है। एजेंसी ने पहले भी इस सीबीआई ने काम किए थे, जो अमित शाह जेल गए थे, जो आपके अध्यक्ष हैं, जब बड़े आप गला फाड़ फाड़ करके कहते थे कि सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं, तब सीबीआई ठीक थी, अब सीबीआई गलत हो गई। सीबीआई बहुत अच्छा तो था, दलबीर जी छोड़िए, दलबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दलबीर जी कर रहा था फिर, तब सीबीआई को कौन यूज कर रहा था? अवस्थी जी बड़ी मतलब शर्म की बात, आज दोनों राष्ट्रीय दल सीबीआई का मिसयूज की बातें करते हैं। जब हम लोग सीबीआई मित्रों को मिस यूज किया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में, कांग्रेस के समय में, आज कांग्रेस वाले मतलब बड़े हताश हो रहे हैं। जब तो कह रहे थे सीबीआई निष्पक्ष लाभ करती है, सीबीआई किसी की नहीं मानती, आज दिलाल भाई कह रहे हैं सीबीआई का मिस यूज हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं दोनों राष्ट्रीय दलों को बोल रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गलत नहीं किया था, आज भी इस बात को मानने को तैयार हूं। सीबीआई पिंजरे का तोता है सेंटर सरकार का, उसी की उसी बात है, परंतु बार बार मुद्दे की आनी चाहिए। दिलाल भाई मुद्दे को बताओ, आप करो मुद्दा ये है 912 एकड़ जमीन पर सेक्शन तैयार हो जाता है, जमीन की जरूरत है SSIIDC को, जमीन में रिक्वायरमेंट के नोटिस सेक्शन तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद 2004 में हमारी सरकार थी, उन्होंने सेक्शन तैयार कर दिया। 2007 आते आते 400 एकड़ जमीन दूसरे बिल्डरों को खरीदवा दी जाती है, किसान ड्रा खेमा, क्योंकि जो सरकार के रेट होते हैं मार्केट के रेट होते हैं, फर्क होता है जी। क्यों फर्क होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, 15% मार्केट रेट का 15 गुना आज वो रेट है, मार्केट रेट है जो 15 गुना ज्यादा है, और इतवार के रेट है जो इतवार के रेट उससे 100 गुना ज्यादा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में क्या हो रहा है, उन्होंने 400 एकड़ जमीन अपने सहायकों को खरीदवा दी, किसान डरा हुआ था जमीन इतवार होगी। यही तो आज झगड़ा है, सीबीआई को यही तो सबूत मिले जो हमारी चार्जशीट में बार बार कह रहे हैं, उसमें ये पहला है। ऐसे ऐसे तो बहुत आपने फेस करने पड़ेंगे बिलाल भाई, बहुत सारी जमीनों के घपले घोटाले। आरोप जो दलबीर धनखड़ जी ने लगाया, मैं उस पर आप सफाई चाहूंगा आपसे। साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि ये बात आप भी जानते हैं कि आज 1500 करोड़ रुपए उसके कुछ दिन बाद ही उसकी कीमत हो गई, लेकिन 100 करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं, तो किसानों के साथ अन्याय तो हुआ है ना? ये बात तो साफ साफ समझ में आपको क्यों नहीं आ रही है बिलाल साहब? अन्याय ये रेट आज के लगाए जा रहे हैं, जो जमीन का जो भाव है वो ये आज का देख रहे हैं कि भाई 1500 करोड़ का घोटाला। मैं सीएलयू की अवस्थी जी, मैं आपको बता दूं, धनखड़ जी जो अभी कह करके गए के एम पी, जो 135 किलोमीटर का हमारा एक्सप्रेसवे बना,
उसमें इन्होंने 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए कुछ ऐसा मुआवजा दिया, हमने उसको बढ़ा करके 12 लाख से ऊपर का मुआवजा दिया। अच्छा उसमें ऐसा नहीं है, धनखड़ जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे भाई, किसानों के इतने बड़े हितेशी होते तो किसानों की जमीनें इतने मट्टी के भाव ना लेते, हमने किसान को पूरा उचित मुआवजा दिया, मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया और कोई धांधली हमने नहीं की। मैं आपसे सीधी बात यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि एक जमीन सस्ते में ले ली जाती है और उन लोगों को दिलाई जाती है, उनको दिलाई जाती है जिनको पता होता है कि ये जमीन की कीमत हम आगे और बढ़ाने वाले हैं, अपने मित्रों को दिलाई जाती है, घोटाला आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, ये बताइए। कोई मित्र नहीं थे उन्होंने, जितने भी हमारे पास जिनको जमीन दी गई वो, अवस्थी जी मैं आपको फिर बता रहा हूँ ऑन एयर इस बात को मैं कह रहा हूँ, जो भी कोई उसमें एक भी परिचित आदमी, कोई अपना एक ऐसा रिश्तेदार, किसी भी हमारे सरकार के आदमी का कोई उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सीधा सीधा मार्केट के हिसाब से जगह दी गई, सरकार किसानों से जमीन ली गई सेक्शन 4 करके, जैसा ये बता के गए 900 कुछ एकड़ का, उसके बाद में सेक्शन 6 हुआ, उस वक्त में कोई आपत्ति नहीं आई, अगर आपत्ति आती तो सरकार उस पर जरूर ध्यान देती और उस पर कार्रवाई करती। चलिए ज्ञानचंद जी बोल रहे हैं कि उस वक्त आपत्ति क्यों नहीं आई, अगर उस वक्त आपत्ति आती तो सरकार कार्रवाई करती इस पूरे मामले में। ऐसा है अवस्थी जी, उस समय भी जमींदारों ने विरोध किया, उस समय भी जमींदारों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके मौजूद को किसी ने सुना नहीं और उनको लालच दिया गया। ये सारा मामला जो है, ये आज अगर 15 लाख या 10 लाख से बढ़कर के 4 करोड़ रुपए का रेट है तो वो जो CLU घोटाला हुआ है, जो CLU इन्होंने किए हैं पूरे गुड़गावा के अंदर, लगभग 11,000 एकड़ के CLU इन्होंने किए हैं और ये तो एक मैं समझता हूँ कि छोटी सी किस्त है, इसके बाद और बहुत बड़े घोटाले जो हैं ये CLU के रूप में हुए हैं, CLU के नाम पर हजारों करोड़ रुपया यहाँ पर जो है बिल्डर्स के साथ मिलकर के जो गरीब किसान है उनकी ज़मीनों के साथ धोखा किया है और गरीब किसान को तो मिला कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा फ़ायदा दिखा करके कि अगर सरकार ले लेगी तो 15 लाख मिल जाएगा, अगर हम बिल्डर ले लेगा तो 20 लाख मिल जाएगा, लेकिन वो CLU होने के पश्चात उसकी कीमत 4 करोड़ रुपये पर एकड़ होगी, इस प्रकार से घोटाला हुआ है और उनको जमींदारों को तो उनकी सुनी किसी ने नहीं, उन्होंने को तो सेक्शन 4 हो गया तो उनको लगा तो हमारी तो ज़मीन जा रही है, सरकार एक्वायर कर रही है, HSIDC ने कहा कि हमें ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 का सेक्शन 6 का नोटिस दे दिया, ज़मीन अब जमींदार के बस में रह के गया, सरकार कभी भी एक्वायर कर सकती है पब्लिक पर्पज़ के लिए, लेकिन ये पब्लिक पर्पज़ नहीं है तो बिल्डर्स का पर्पज़ था, उस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए सारा वो ज़मीन खरीद ली गई और उसके अंदर बहुत बड़ा 1500 करोड़ रुपये का ये घोटाला हुआ है कि ये डर तो दिखा दिया सेक्शन 4 लगा करना कि अब सरकार एक्वायर करने वाली है, अब जो मिल रहा है ले लो, उसके बाद आपने पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बिल्डरों को दे दी। जी कोई डर की बात नहीं है, सेक्शन 4 चौटाला साहब के टाइम आपको मालूम चल जाए है कि आपकी जमीन सरकार एक्वायर करने वाली है, जो मिलेगा आप तो बेच ही दोगे ना। नहीं नहीं ऐसा तो हुआ ना, ऐसा नहीं है, सारी चीज अब जब सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, कोर्ट जाने में 1 दिन का समय लगता है, ये जिस विरोध की बात कर रहे हैं कोई विरोध नहीं था उस टाइम में, लेकिन नहीं नहीं गुप्ता जी ऐसा तो कुछ नहीं है, सरकार ने पूरी मंशा किसान को उचित मुआवजा दिया और उसी मुआवजे के तहत वो जमीन एक्वायर की गई। अब रह गई बात, वो जो पैसा आया बिल्डर से, जो पैसा आया वो प्रदेश के विकास में ही लगा, डेवलपमेंट में लगा, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी जेब में किसी ने पैसा रख लिया। से आप और ज्यादा पैसा ले सकते थे बिल्डर से, ले सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है बिल्डर का गला दबा करके पैसा लिया जाता, जो जमीन का रेट गला दबा के पैसा ले लिया जाएगा, कोई किसान का किसान का कोई गला नहीं दबाया गया। रह गई बिल्डर की बात, कमर्शियल रेट पे उनको जगह दी गई, उन्होंने अपना पूरा रेवेन्यू दिया और रेवेन्यू वो सरकार के खाते में आया, जिससे कि सारे डेवलपमेंट और विकास की बात हुई। चलिए ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे हैं कि बिल्डरों से जो पैसा मिला, कम पैसा मिला लेकिन विकास में लगाया गया, जवाब दीजिए। देखिए किसानों से जिस रेट से जमीन ली, किसान का गला दबा करके जमीन ली, किसान को डरा करके जमीन ली और उस वो जमीन जो है वो सरकार के पास कहाँ आई, वो तो बिल्डर्स को दिलवा दी, इन्होंने बिकवा दी और उनको CLU दे दिया साथ के साथ, जो CLU होने के पश्चात उस जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपया प्रति एकड़ हो गई, जो 15 लाख या 20 लाख रुपये थी। ये CLU का घोटाला यही तो है कि सेक्शन 4 और 6 का डर दिखाओ और जमीन किसानों से जमीन ले लो और उनको कहो कि बेच दे, वो बिल्डर्स ने वो खरीद ली।
किसान के पास कहा, ये सरकार के पास जमीन कहाँ है? बिलाल साहब साफ साफ समझ में आ रही है, किसी सरकारी पर्पज के लिए किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए विकास के लिए सीएलयू भी जो दिए गए वो पूरी सरकार की जो गाइडलाइन है सीएलयू की, ऐसा नहीं है कि सरकार जिस मर्जी जमीन का सीएलयू दे देगी और तो कोई इस तरह की ना है इस प्रकार जी, मतलब ये तथ्यों पे बात की है। आप ये बात कहना चाहते हैं कि सरकारी तंत्र का आपने इस्तेमाल किया? सरकारी तंत्र का नहीं, सरकारी जो गाइडलाइन, सरकार की जो गाइडलाइन होती है सीएलयू की जो गाइडलाइन थी उस हिसाब से सीएलयू दी गई। ऐसा नहीं है कि मनमर्जी के जिस मर्जी को सीएलयू और जिस मर्जी को कुछ नहीं, जो सीएलयू की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ये बड़ा पिछले गुप्ता जी नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ भी कर लो, कितना ही ये मिसयूज करो, कितनी बदले की भावना करो, ये द्वेष के कारण ये जनता से भटकाने का सीधा सीधा आप क्या है। आज जब से ये छापे पड़े कि भाई ये हो गया वो हो गया, अपनी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता के सामने प्रदेश की जनता को गुमराह मत करिए, प्रदेश का विकास करिए, जनता का विकास करिए, विकास की बात करिए, रहेगी कार्रवाई की बात। सरकार आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, सीबीआई का उपयोग किया, किसी का भी उपयोग किया, कुछ नहीं मिलने वाला। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक, फिलहाल जो छापेमारी की जा रही है उसके बाद लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी यहां पर सामने आ रही है, लेकिन कितनी बड़ी मुश्किल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन छापेमारियों के बाद? आलोक आप तक आवाज पहुंच रही है, तो छापेमारी की प्रक्रिया लगातार जारी है, 20 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, कितनी बड़ी मुश्किल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से मानेसर जमीन मामले में सीबीआई की छापेमारी चल रही है, वैसे में क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त तात्कालिक मुख्यमंत्री थे और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यदि इस तरीके से बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आती है और सीबीआई रेड करती है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ें, क्योंकि पहले से ही एक जो मामला है जो इंडस्ट्रियल प्लॉट का मामला है, पंचकुला के इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटन का, वो चल रहा है और दूसरा ये मामला है, तो निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं वैसे से पूर्व मुख्यमंत्री की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। अभी जो पूरी चर्चा चल रही है आलोक, कहा ये भी जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत भर है, लेकिन जितने सीएलयू हुए हैं अगर उन तमाम मामलों को खोला जाएगा तो कहीं ना कहीं छापेमारी की बाढ़ भी आ सकती है, यानी मुश्किलें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार जिस तरीके की चीज़ें सरकार के पास, सरकार का दावा है कि वो तमाम चीज़ों को देख रही है और अपने ढंग से उस पर कार्रवाई कर रही है। INLD की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने एक चार्जशीट जो है वो अपनी तरफ से राज्यपाल को भी सौंपी थी और सरकार को भी वो दी है, उस पर तमाम चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार यदि इसी तरीके से कार्रवाई होती रही तो आने वाले वक्त में क्योंकि पिछले 10 साल के जितने भी जमीन घोटाले हैं उनको लेकर किस तरीके की चीज़ें सरकार के द्वारा किस तरीके का कदम उठाया जाता है, क्या वो तमाम जाँचें CBI को सौंपी जाती हैं या नहीं सौंपी जाती हैं, क्या स्टेट विजिलेंस उस बात की जांच करेगी, ये जो तमाम चीज़ें हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। मगर फिलहाल दो मामले जिनको CBI देख रही है उनसे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी कुछ और मामले सरकार CBI को सौंप सकती है और उनके चलते पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि जो कार्रवाई हो रही है बदले की भावना से हो रही है, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जो कुछ हो रहा है सबूत सामने आएंगे उनके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए आरोप आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दलबीर जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जुड़े थे, ज्ञानचंद गुप्ता जी आपका भी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मेट्रो न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।